हर इंसान के अंदर कुछ सपने होते हैं और उन्हीं सपनों में से एक सपना हमारा भी है। जो भी जिंदगी में शुरुआत होता है ना, वो सपनों से ही होता है। अब ये सपने कहाँ शुरू होते हैं, कहाँ खत्म होते हैं, ये मुझे नहीं पता। बट एक छोटे शहर से हूँ तो मुझे इतना जरूर पता है कि ये छोटे शहर के जो लोग होते हैं ना, सपने बहुत बड़े रहते हैं। आंखों में बहुत सारी उम्मीदें लेके जीते हैं और उनको पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। बस उनके सपनों को कदर कोई नहीं करता है। कुछ कदर करने वाले अपने लिए घर से निकल जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। बट मैं शायद वो पहले कुछ में से आता हूँ, क्योंकि मैंने सपना और मेहनत दोनों देखा हुआ है। अब वो कहते हैं ना कि लगन दिख के तो ज़िंदगी भी बदलने लगती है, तो शायद मेरे साथ भी वैसा ही कुछ हुआ। 2016 से 2023 तक ऑन एंड ऑफ मैं भुवनेश्वर में रह रहा था। आई वॉज वर्किंग, मैंने पढ़ाई वहाँ किया, वहाँ पे मैंने काम शुरू किया। जब जनवरी 2023 में मैंने फाइनली भुवनेश्वर छोड़ने का सोचा ना, सो देखिए, मैं वो थोड़ा सैड साउंड करने नहीं चाहता हूँ, बट यस आई एम गोइंग एंड आई एम इन अ वेरी हैप्पी मूड में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर काम जो आई वॉज डूइंग फॉर द मनी पार्ट, आई विल बी लिविंग इट बिहाइंड। मैं अपने क्रिएटिविटी पे बिल्कुल फोकस नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ये काम रहता है, फ्रीलांस रहता है, इधर उधर का काम, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। इन सब में भी ना आई वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद द थिंग कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ना दिल और दिमाग से बहुत ज़्यादा क्लियर था कि भाई ये भुवनेश्वर का चैप्टर ना मेरे लिए ओवर है। मेरे हिसाब से टाइम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर भाई जिंदगी है, आगे तो बढ़ना ही है। लेकिन जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जहाँ मुझे ये ना लगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ क्यों आया हूँ, अभी सिर्फ पैसे कमाने, वो तो मैं घर में भी कमा रहा था ना। कल के बाद से मैं अपने के लिए छुट्टी ले रहा हूँ, बहुत काम कर लिया, यूट्यूब पे थोड़ा फोकस करेंगे, है कि नहीं? करेंगे। बस पैसा ठीक टाइम में दे देना। टाइम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिंदगी सिर्फ पैसों के पीछे ना, वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे को बारीपद आते हुए बहुत टाइम हो चुका है, ज़्यादा दिन रहूँगा इधर होमसिक फील होगा और यहाँ से जाने को मन नहीं करेगा, तो मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना है। मेरे पे तीन ऑप्शन है दिमाग में, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि हैदराबाद, क्योंकि वहाँ पे मेरा भाई रहता है एंड मेरे फ्यू फ्रेंड्स रहते हैं एंड दे वॉन्ट मी देयर। सेकेंड ऑप्शन है दिल्ली, जो मैं हाल ही में होके आया, आई लव दिल्ली, मुझे बहुत मज़ा आया। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह है मुंबई, मतलब कुछ शौक तो है भाई। एंड फॉर्चुनेटली मेरे कुछ दोस्त रह रहे हैं वहाँ पे, दे आर मोर देन वेलकमिंग कि तू आ जा यहाँ पे, तू जो कर रहा है, तुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो भी एंड एवरीथिंग, दे फुल सपोर्ट यार। अब बचपन से ना मुंबई का शौक जोरों का था, अब जो मुझे मौका मिला, मैं थोड़ा डरा हुआ था, मैं सोचने लगा कि भाई मैं क्या तैयार हूँ, इतना बड़ा शहर, इतने लोग, क्या करूँगा, कैसे होगा, मतलब ये भी तो वैलिड क्वेश्चन है ना। देन पापा बताते हैं मुझे कि बेटा देख, मौका ना इंसान को तभी मिलता है जब इंसान तैयार होता है, एंड तुम असल में तैयार हो कि नहीं वो यहाँ बैठे नहीं पता चलेगा, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। वैसे आई एम नॉट लूजिंग एनीथिंग ना, बस और क्या था, मैं चला टिकट लेने। अब ये टिकट लेते वक्त भी ना ये सब बातें मेरे दिमाग में चल ही रही थी। पर देख भाई, मैं ये भी मानता हूँ कि अगर दिल को सही लगता है और तुम थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर भी सोचते हो ना, सब सही होगा। एंड अपने साथ तो वो तो हौसला रहता ही है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, है कि नहीं? बस तो गाइस, टिकट हो गया है, हम जा रहे हैं मुंबई, हियर आई कम। दुखी की बात देखो, दुखी की बात हो रही है, कीड़ा वो डो, मतलब बार बार तो अच्छे ना डो, अरे इधर से जाना ही तो है, मम्मी थोड़ी दुखी हो रही है। ठीक है, आपके हिसाब से घर क्या होता है? मेरे हिसाब से तो घर एक एहसास होता है, मतलब एक माहौल होता है जहाँ तुम्हें अपनापन सा लगे, जहाँ तुमने खुद को टूटते उठते बिखरते हुए देखा हो, आप वो घर है। अपने परिवार के साथ वो बैठ के खाना खाते हो ना, वो जो मोमेंट है ना, वो तुम्हें कहीं कभी ज़िंदगी में नहीं मिल सकता। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन उठे जा रहा हूँ, बट
जो पैकिंग देख कर लग रहा है काफ़ी दिनों के लिए। आई एम नॉट प्लानिंग टू रिटर्न, देर इज़ इंट ए प्लान बी कि मैं रिटर्न करके आऊँ, तो देर इज़ ओनली वन प्लान। तो इफ़ आई गो पता नहीं, आपको तो पता चलता रहेगा। अब जाने से पहले ना ये कमरे को लास्ट बार देख लेता हूँ, क्योंकि इस कमरे ने मेमोरीज तो दिया ही है बहुत, पर इस कमरे को मैंने बहुत कोसा हुआ है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों एक खुन्नस सा है इस कमरे के साथ, बट आई विल मिस माई रूम। अब तुम दुनिया में कहीं पे भी जाओ, जिंदगी में जो करना है करो, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, वो है तुम्हारा मम्मी पापा का आशीर्वाद और प्यार। तो उनका आशीर्वाद लेके हम निकलते हैं एक नई जर्नी पे। जर्नी का पड़ाव कुछ ऐसा है कि बारीपदा से हम पहले जाएंगे भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से मेरा ट्रेन है परसों, तो एक दिन गुजारेंगे हम भुवनेश्वर में अपने दोस्त लोग के साथ, अपने यार लोग के साथ। अब भुवनेश्वर में कभी होटल में नहीं रुका मैं आज तक, नॉट इवन वंस। दिस इज अ नाइस रूम, नाइस, थोड़ा सा एक छोटा सा रूम टूर, एक छोटा सा, इट्स अ गुड रूम ऑफ कोर्स, छोटू सा। ये बनाना चिप्स जो कि मैं नहीं खाता, तो इट्स गुड, गुड व्यू। ये तुम्हारा भाई का, और ये तुम्हारा भाई, नाइस, गुड वन। कुछ दोस्त लोग अभी मिलने आएंगे, मतलब अभी नहीं कुछ देर में, तो उनके आने से पहले मुझे फ्रेश होना है और मुझे हेयर कट करना है जाके, क्योंकि भाई नया शहर होगा। ये लहरे बाल, ये लहरीले बाल, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये लहर जैसे बालों के साथ थोड़ी होगा मैं, तो चलते एक छोटा सा। देखो होटल में चेक इन कर लिया हमने, सब कुछ कर लिया, पहला चीज़ करना है मुझे, आई वॉन्ट टू हैव ए हेयर कट। अब ढूंढते कुछ नहीं मिला मुझे, एक लोकल सा सैलून मिला, चलते हैं यार, क्या ही दिक्कत है। पर वहाँ का बार भी लाइक, भाई इतना बारीकी से मैं नहीं काट सकता भाई, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा आप खुद काट लो भाई। आई हैड द वर्स्ट एक्सपीरियंस एक सैलून में भाई, उसके हिसाब से काट रहा था, उसके हिसाब से बस उसका बस चलो तो भाई मुझे पूरा टकला कर देता, वो बोलता और छोटा कर दो, और छोटा कर दो, अच्छा नहीं लग। अरे ये बिरयानी 60 रुपए का है, मतलब मैं थोड़ा डाउट में पड़ गया, 60 नहीं 68। चिकन बिरयानी 5 रुपए, बहुत अच्छे भाई, कमाल, मतलब 68 रुपए में आजकल बिरयानी। हाँ मतलब, अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? टेस्ट भी कर लेते यार। या बिरयानी खाओ भाई, भाई यार तो खत्म हो गया यार। टू किंगडम 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 फॉर 12 आवर्स। हम निकल गए शाम तक अपने दोस्त लोग से मिलने। अरे छोट करी गोटे मिनट भाई, अब बारिश शुरू हुआ तो हम क्या किया, हम सब मेरे रूम में वापस आ गए। मेरी जान और वहां पे और बकचोदी, ठीक है, मस्ती नहीं बोलूंगा यार, हम बकचोदी करते हैं, नहीं डालेंगे इसको। कौन कुछ भाई? जे, you better keep this साला। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने बहुत बुरे लग रहे हो। ये हो रहता है ना कि कहीं जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ मोमेंट याद रहते हैं, ये वो मोमेंट थे जो याद रहेंगे। तो भैया एक आखिरी रात का इंतज़ार और फिर हम रवाना होने वाले थे अपने सपनों के शहर के लिए। तो नेक्स्ट 2 दिन मेरे निकलने वाले थे ट्रेन में, पर नेक्स्ट 2 दिन में मेरे साथ ट्रेन में इतने सारे इंसिडेंट्स होने वाले थे मुझे बिल्कुल पता नहीं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुई जो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ आपके फर्स्ट ट्रेन जर्नी में हो। क्या आपको अच्छा लगेगा अगर आपका पहला ट्रेन जर्नी हो और आपको ट्रेन से निकाला जाए? नहीं ना। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, तो वो क्या हुआ था वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हाँ यार, दुआ में याद रखना यार, वेरी इंपॉर्टेंट। बाय, पीस आउट।